हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है 5 अप्रैल और मैं और मेरे ससुर जी दोनों मिलकर बना रहे हैं आलू बंडे। हमारे एमपी में इसे आलू बंडे कहते हैं और इलाहाबाद साइड इसे आलू की टिकिया बोलते हैं। तो बस वही बना रहे हैं यहाँ पापा जी और मैं उन्हें छान रही हूँ। पापा जी यहाँ बेसन में लपेट के उसको डाल रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू स्टार्टिंग से तो रेसिपी का पूरा बनाया नहीं है। तो अगर आप बनाना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। इसमें आलू, उबले हुए आलू हैं, प्याज और मिर्च को मैंने फ्राई कर लिया है और थोड़ी मूंगफली डाल दी है। और उसके बाद ये बेसन का घोल बना लिया है, अच्छा थिक घोल बनाना है। और उसके बाद इसमें इन जो टिकियाँ हैं आलू की टिकिया बना के उनके साथ फ्राई कर लेना है तेल में। बहुत इजी होता है, बहुत आसानी से बन जाता है। ये देखिए इनमें नमक और हल्दी वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है आलू की टिक्कियों में। बस इन्हें बेसन में घोल लपेटना है और छान लेना है और चटनी के साथ खा लेना है, बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए पापा जी इसे कितने आसानी से और कितने अच्छे से बना रहे हैं। और मूँगफली आप अच्छा लगता है आपको तो डालिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी है। ये मैंने सुबह का नाश्ता कुछ इस तरह से बनाया था और दोपहर का खाना हम लोगों ने दाल और चावल बिल्कुल नॉर्मल सा बनाया था, क्योंकि ऑयली ऑयली खाकर पेट भर चुका था। जो थोड़ी बहुत बेसन का घोल बचा था उसमें मैंने प्याज डाल के उनकी जो पकौड़ियाँ हैं प्याज की वो बना दी थी, तो पेट अच्छे से भर चुका था। तो 2-3 बजे मैंने दोपहर में दाल चावल से बनाया था। और उसके बाद हम लोगों ने रात में किया था दीपोत्सव, जो मेन इस वीडियो का सब कुछ सबसे मेन टॉपिक है दीपोत्सव। तो यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर थोड़े से सॉरी नाश्ता करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सब्जियाँ लेकर आए थे अभी जी। तो बस मैं और मेरी मीठी दोनों मिलकर यहाँ पर सब्जियों को रख ले रहे हैं, जो धुलने वाली सब्जियाँ हैं जैसे भिंडी वगैरह हो गया, टमाटर वगैरह, उनको मैं धुल कर बगल में पानी रखी हूँ टब में, उन्हीं में धुल धुल कर रख ले रही हूँ। और बाकी जो जैसे धनिया वगैरह है उनको धुल कर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो उनको मैं बिल्कुल अलग रख दूँगी पन्नी में, जो पॉलीथीन होती ना उसमें बांध के मैं उनको अलग रख दूँगी। तो ये देखिए टमाटर वगैरह मैं इसमें रख रही हूँ अच्छे से। और सारी सब्जियों को मैं फ्रिज में अभी अच्छे से सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर मीठी देखिए कैसे मेरी हेल्प कर रही है। और एक मेन रीज़न ये भी था, मैं आपको दाल चावल बना रही थी वो भी दिखा सकती थी, पर मेरे पास इस टाइम पे फ़ोन नहीं है और हस्बैंड जी फ़ोन लेकर चले गए थे मार्केट सब्जी लेने, तो इसलिए मैं बिल्कुल आप लोग के साथ दिखा नहीं पाई अपना जो लंच है वो, कि मैंने क्या बनाया और कैसे बनाया। तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है इस टाइम पर, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है। मेरा जो फ़ोन था वो चार्जिंग के टाइम पर मतलब ब्लास्ट सा हो गया था, ख़राब हो गया था, और अभी तक लॉकडाउन की वजह से मैं फ़ोन नहीं ले पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। तो ये देखिए मैंने मीठी को टमाटर दे दिए हैं और वो उसको ले जाकर अच्छे से रख भी देगी, बहुत काम करती है मेरी बेटी, थोड़ा सा फैला जरूर देती है। तो ये देखिए मैंने धनिया को बिल्कुल अलग पन्नी में बांध के रख लिया, और यहाँ पे कुछ आलू और प्याज थे तो मैं आलू को अलग डलिए में और प्याज को अलग डलिए में रख लूँगी। और मीठी फटाफट से देखिए कैसे काम करवा रही है, वो हमेशा मम्मा मैं कर देती हूँ, मम्मा मैं कर देती हूँ ऐसे करती रहती है और काम करती कम है बढ़ा ज़्यादा देती है। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो हर चीज़ में आगे आगे करती है मेरे साथ। और होता है ना कि जब बेटे बड़े होते हैं तो बाप को सहारा देते हैं और बेटियां बड़ी होती हैं तो माँ को सहारा देती हैं, तो बस वैसे ही कुछ मेरे साथ भी है। तो देखिए हर जगह मीठी आपको दिख जाएगी, ये देखिए। और ये पीछे टॉप का जो रुक होता है ना ये बिल्कुल नहीं बंद करवाती, बोलती है मुझे गड़ता है, बंद मत करो, खुला रहने दो, इसको गर्मी भी बहुत लगती है इसलिए इसको बंद नहीं करवाती है। चैन होता तो बंद हो जाता, पर रुक रहता है तो कहती है इसको खोल दो, गड़ रहा है मुझे। तो ये देखिए मैंने सारे सब्जी फ्रिज में कुछ इस तरह से रख ली है। और ये यहाँ पर तरबूज लाए थे जिसको उन्होंने सबसे पहले ही धुल के फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद हम लोग इसे खाएंगे। तो ये अब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है और तरबूज का मौसम आ गया है। तरबूज सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पानी की कमी को दूर करता है और अच्छा ठंडक भी बनाए रखता है पेट में, और बहुत अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए भी। तो बस अब हम लोग पहले तरबूज खाएंगे और उसके बाद मेरा जो लंच बन गया है दाल और चावल उसको खाएंगे। तो बस ये देखिए जो थोड़ी बहुत सब्जियां बची थी वो भी मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ, धनिया वगैरह। तो मेरा किचन का काम बिल्कुल फिनिश हो गया है, अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। मैं, हस्बैंड जी और मीठी, हम तीनों लोग बैठकर दाल और चावल खा रहे थे।
और यहाँ देख रहे हैं मीठी किस तरीके से उछल उछल कर खा रही है। मुझे ब्लॉग के भी उतनी ज़्यादा समझ नहीं है, पर जहाँ तक मुझे आता है मैं वहाँ तक पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से एक ब्लॉग को तैयार करने की। बाकी अगर आप लोग को कुछ ना अच्छा लगे तो बड़े प्यार से कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, मैं उस चीज़ को कोशिश करूँगी करने की। थोड़ा सा सजेशन देते रहा करिए अगर आप लोग को आइडिया है ब्लॉग्स के लिए तो। तो ये देखिए बस हम लोग जो अपना लंच है वही कर रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा सा जो काम है साफ़ सफाई वगैरह बर्तन वर्तन धुलना बस वही सब करूँगी मैं, और उसके बाद मैं डिनर बना लूँगी। और उसके बाद 9 बजे जाना है हम लोग को दिया जलाने, कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने अपने घर के ये दरवाज़ा जो मेन गेट होता है वहाँ पर जलाना है, या तो आप अपने छत पर जला सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि बाहर जो मेन गेट है वहाँ पर जलाएंगे तो कुछ जो अगल बगल के घर हैं वो भी दिखेंगे, और तो मैं आपके साथ उसको भी ब्लॉग के थ्रू शेयर कर पाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो कैंडल्स है कैंडल जलाया था हमने यहाँ पे, तो ये देखिए मैंने भी एक कैंडल जला दिया, घर के सभी लोगों ने जलाते, ये देखिए घर कितने अच्छे से सजा हुआ है दिए और कैंडल्स से, और बहुत सारे लोग पटाखे वगैरह भी बजा रहे थे। तो बस मोदी जी का कहना था कि कोरोना नहीं भागेगा, दिया जलाने से कोई कोरोना नहीं भागेगा, उससे बस ये होता है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आएगी, और घर थाली और ताली बजाने से भी कोरोना नहीं भागता है गाइस, उससे भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और हम सब एक साथ हैं एकजुट हैं, ये भी एकता का प्रतीक है जो ये दीपोत्सव मनाया गया है। और ये बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग अपने अपने घर के बाहर खड़े थे, बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखा गया था सोशल डिस्टेंसिंग का, और घर के बाहर लो 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 तो कुछ इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने दीपोत्सव मनाया। और मीठी बोल रही थी कि हैप्पी दिवाली, उसे लग रहा था कि दिवाली आ गई है, बच्चे हैं कुछ भी बोल देते हैं। और यहाँ पे भारत माता की जय और जय श्री राम वगैरह के नारे सब लोग अपने अपने घरों से ही लगा रहे थे। तो बस कुछ इसी तरीके का था हमारा दीपोत्सव, जो कि बहुत एक खास दिन के रूप में याद किया जाएगा हमेशा, ये भी एक किसी त्यौहार से कम नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि दिवाली आ गई हो सच में। तो ये अंधेरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था, पर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा एक सीन बन गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोगों ने कैसे इंजॉय किया इस दीपोत्सव को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कैसा लगा ये ब्लॉग वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।